हेलो दोस्तों, वेलकम टू यास्मिन्स किचन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड से बने सुपर डिलीशियस डेजर्ट, जिसकी टेस्ट बहुत ही क्रीमी है और साथ ही दिखने में और खाने में जितनी डिलीशियस है इसे बनाना उतना ही आसान है। इनफैक्ट ये 3 से 4 चीजों में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डेजर्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए घर की फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो इसकी जगह पर बाजार वाली क्रीम भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू, छोटी इलायची, किशमिश, ब्रेड और कस्टर्ड पाउडर। अब सबसे पहले एक पैन में 200 ग्राम जैसा दूध ले लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे अपने पसंद के बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। फिर अच्छे टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे इलायची, आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। मैंने यहाँ पर बस 2 चम्मच जैसे ही चीनी लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकने देंगे। जब तक यहाँ पर ये बॉईल हो रही है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक बाउल में ले लेंगे 1.5 चम्मच जैसा कस्टर्ड पाउडर। फिर इसमें ठंडा दूध डालकर इसका एक लम्प फ्री घोल तैयार करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लम्प फ्री घोल बनकर तैयार हो गई है। अब इस घोल को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालकर मिलाते जाएंगे। यहाँ पर हम एक बार में सारे घोल को नहीं डालेंगे, नहीं तो दूध में गांठे पड़ जाएंगे। इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा डालकर ही दूध में मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध की कलर कितनी अच्छी येलोइश कलर की हो गई है और दूध को देर तक बॉईल करते करते ये गाढ़ी और क्रीमी भी हो गई है। अब यहाँ पर लबरी तैयार कर लेने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर ब्रेड में क्रीम लगाने के लिए एक बाउल में घर के दूध से निकली हुई क्रीम ले लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच जैसे मिल्क पाउडर। फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जैसे चीनी और लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा दूध, जिससे ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमारी क्रीम ब्रेड पर लेयर लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पर ब्रेड के ऊपर क्रीम लगाने से पहले ब्रेड के कॉर्नर को कुछ इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ब्रेड के चारों कॉर्नर को कट कर लेने के बाद चलते हैं क्रीम की लेयर लगाने की तरफ, जिसके लिए एक ब्रेड के ऊपर क्रीम डालकर कुछ इस तरीके से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पर क्रीम की लेयर लग जाने के बाद इसके ऊपर से हम एक ब्रेड को रख देंगे और इसे बीच से कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी पहली ब्रेड में क्रीम की लेयर अच्छे से लग चुकी है। तो अब कुछ इस तरीके से ही बाकी के बचे हुए ब्रेड में भी हम क्रीम की लेयर लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे ब्रेड में क्रीम की लेयर अच्छे से लग चुकी है। तो अब हम एक बाउल में ले लेंगे हल्का गुनगुना दूध और हल्का मीठापन के लिए इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जैसा चीनी और इसे दूध में अच्छे से मिला लेंगे। अब क्रीम से लगे हुए ब्रेड के एक एक पीस को दूध में कुछ इस तरीके से डिप करके सर्विंग ट्रे में डालते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ब्रेड के पीस को ज़्यादा देर तक दूध में डिप नहीं करेंगे, नहीं तो ये सॉफ्ट होकर टूट जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे ब्रेड के पीसेस को दूध में डिप करके सर्विंग ट्रे में रख लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोग लबरी को ब्रेड के ऊपर चारों तरफ अच्छे से कुछ इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने लबरी को ब्रेड की चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और ब्रेड के ऊपर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें लबरी का लेयर ना लगा हो। और अब लास्ट में इसे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। तो ये रही हमारी सुपर डिलीशियस इंस्टेंट ब्रेड डेजर्ट। तो अगर आपके घर पर कोई सडन गेस्ट आ जाते हैं या कोई स्पेशल ओकेशन हो तो ये ब्रेड डेजर्ट बनाकर जरूर सर्व करें, तो गेस्ट आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी के ऊपर चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें।